नमस्कार दोस्तों, मैं आपके दोस्त MC2=E अपने YouTube चैनल पर आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम मोबाइल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट ऐप में। तो चलिए दोस्तों, जल्द से ही वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम फ्लिपकार्ट ऐप पर जाएंगे। ऐप पर जाने के बाद हम वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमें होम पेज पर ले जाएगा। यह है फ्लिपकार्ट की होम पेज। यहाँ पर देखिए, बॉटम पार्ट में पांच ऑप्शन दिखा दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में पांच ऑप्शन के अंदर दो नंबर ऑप्शन सुपर कॉइन है, वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, वहाँ पर क्लिक करने से हमें वो रिचार्ज ऑप्शन पर ले जाएगा। अदरवाइज दोस्तों, आप थ्री लाइन स्टॉक जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखा दे रहा है वहाँ पर भी जा सकते हैं बिल्स एंड रिचार्ज ऑप्शन पर क्लिक करके। सेम ऑप्शन है दोस्तों, आप सेम जगह पे चला जाएंगे। वहाँ पर देखिए मोबाइल लिखा हुआ था, मोबाइल पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, वहीं क्लिक करने के बाद दोस्तों वो हमें रिचार्ज पेज पर ले जाएगा, जो रिचार्ज इंटरफेस है फ्लिपकार्ट की। यहाँ डायरेक्टली हमें नंबर मांगेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें सिंपली नंबर डाल देना है दोस्तों, किसी भी मोबाइल का, किसी भी कंपनी का नंबर आप डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद ऑपरेटर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। सर्कल भी ऑटोमेटिक होता है कभी कभी, अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद अमाउंट दोस्तों, यहाँ पर हमने प्लान पर सिलेक्ट किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्लान चुन रहे हैं, अच्छा सा प्लान जो ऑफर वगैरह होता है कुछ यहाँ पर आता है कभी कभी ऑफर, वही सब सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैलिड प्लान डाल सकते हैं और सिंपली मेक पेमेंट पर अब हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पेमेंट ऑप्शन दिखा देगा हमें। यहाँ पर तीन तरह का आ रहा है दोस्तों, एक UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एक नेट बैंकिंग। हमारा दोस्तों यहाँ पर UPI पेमेंट सिस्टम हमारे मोबाइल पर है, तो हम UPI पर क्लिक कर देंगे और दो ऑप्शन को छोड़ देंगे। क्लिक करने दोस्तों हमें UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा। यहाँ पर हम पेटीएम क्लिक कर दिया, हमारा पेटीएम है तो यहाँ पर उसकी पेमेंट पेज पर हमें ले जाएगी, रिडायरेक्ट करेगी दोस्तों पेटीएम की पेमेंट पेज पर। सिंपली प्रोसीड, उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद हमें UPI पिन डालना पड़ेगा दोस्तों, ये हम कैप्चर नहीं किया है। उसके बाद देखिए पेड सक्सेसफुली लिखा आ गया दोस्तों, यानी पेड हो चुका है दोस्तों। आपको यहाँ पर भी सक्सेसफुली दिखाएगा दोस्तों, देखिए सक्सेसफुली आ गया दोस्तों। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगी होगा दोस्तों। अगर पसंद है लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, उसके साथ साथ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। उसके पास दिखाई देने वाला बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि दोस्तों हमारे हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।